हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से फाइनली कुछ अच्छी खबर आ गई है क्लास 10 के छात्रों के लिए। सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10 के मार्क्स को अपलोड करने का जो लिंक है उसे एक्टिवेट कर दिया है। सीबीएसई बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 के मार्क्स को अपलोड करने की जानकारी देश भर के स्कूलों को दी। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि क्लास 10 के स्कूलों को जो मार्क्स प्रिपेयर करने का जो सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को जिम्मा दिया गया है उन्हें 11 जून तक मार्क्स को अपलोड करना है, लेकिन उसका लिंक जो है आज से ही एक्टिवेट हो चुका है। यानी कि आपके लिए अच्छी खबर ये है कि आपके रिजल्ट को सीबीएसई बोर्ड जो है पूरी कंप्लीट कयास लगा रही है रिजल्ट को 20 तक जारी करने की। यानी कि सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल भी ये नहीं चाहेगी फर्दर डिले को रिजल्ट को लेकर। तो उसी का कारण है कि सीबीएसई बोर्ड ने लिंक को एक्टिवेट करते हुए पूरे देश भर के स्कूलों का जो है क्लास 10 के छात्रों के लिए अच्छी खबर दी है कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का मार्क्स को अपलोड करने की जो डेट है यानी कि अपलोड करने का जो पोर्टल है फाइनली सीबीएसई बोर्ड ने एक्टिवेट कर दिया है। इसे जो सीबीएसई बोर्ड देश भर के स्कूलों को जो मार्क्स अपलोड करना है वो बिफोर 11 जुलाई से पहले करना है, क्योंकि 11 जुलाई के बाद सीबीएसई बोर्ड उस मार्क्स को वेरिफिकेशन करेगा, मार्क्स की पूरी कंप्लीट जो है जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद असेसमेंट के मार्क्स को ऐड किया जाएगा, फिर आपका फाइनल रिजल्ट को जारी की जाएगी। एक बात यहां पे महत्वपूर्ण है कि सीबीएसई बोर्ड के स्कूल अगर एक बार मार्क्स को अपलोड कर देते हैं तो उसको बदलाव जो है उसमें नहीं की जा सकती। यानी अगर एक बार किसी भी छात्र को आप बाई चांस अगर गलती से कम मार्क्स दे दिया गया तो उसको जो है बदलाव नहीं किया जा सकता, उसको बाद में बदला नहीं जा सकता। तो इस बात को लेकर सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि मार्क्स को वो अच्छी तरीके से अपलोड करें, फाइनल अपने तरफ से 2-3 बार पहले वेरीफाई कर लें क्लास 10 के छात्रों को इसको इतना ही मार्क्स मिला है, टोटल कैलकुलेशन सही से कर लें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड को जो है एक बार पोर्टल पर अपलोड हो गया तो उसको वेरीफिकेशन भी सीबीएसई बोर्ड द्वारा की जाएगी। तो वहीं दूसरी खबर जो है सीबीएसई बोर्ड ने अगेनली इस बात को लेकर एक वेबिनार में कहा कि किसी भी स्कूल में अगर किसी की छात्रों की परीक्षाएँ छूट गई है तो उसे ऑनलाइन करवा लीजिए, जल्द से जल्द करवा लीजिए, ताकि क्लास 10 के छात्रों का जो है उनका भी एवल्यूएशन करके उनका भी रिजल्ट साथ साथ जारी किया जा सके, उन्हें कंपार्टमेंट देने की नौबत ना आए, यानी कि उन लोगों का एग्जाम्स के करा के उनके साथ जो है भी जस्टिस किया जाए। यानी कि सीबीएसई बोर्ड के उन छात्रों को जो है आपको एग्जाम्स देकर उन्हें एक ऑप्शन दिया जाए पास करने का। सीबीएसई बोर्ड के वेबिनार में इस बात को आयोजन के दौरान कहा गया और सीबीएसई बोर्ड के कोई भी छात्र रिजल्ट से वंचित ना हो इसका सीबीएसई बोर्ड के स्कूल खास ध्यान करें। ऐसा नहीं कि अगर कोई छात्र एग्जाम्स नहीं दिया तो एक छात्र कारण जो है पूरे छात्र स्कूल जो है उसका एग्जाम कराए ही नहीं, वो एक छात्र को जो है इग्नोर कर दे तो ऐसा नहीं होगा। हर एक छात्रों के लिए जो है रिजल्ट से वंचित नहीं किया जा सकता। इस सीबीएसई बोर्ड ने स्ट्रिक्टली जो है वेबिनार में इस बात को लेकर जो आज अगेनली दोहराया, सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों पर अगर कोई भी शिकायत या थोड़ा संदेह होता है तो उसको मान्यता रद्द की जाएगी और उस पर भारी जुर्माना भी लगाने की बात जो है आपके सन्नी भारद्वाज ने कहा। छात्रों के सवाल हैं यानी कि छात्रों के कई सारे सवाल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उन क्वेश्चन का रिप्लाई जो है मैं आपको इसी तरीके से वीडियोस के माध्यम से अंत तक यानी लास्ट तक वीडियोस में आपको मैं बता दूंगा। तो सवाल यह है कि हमारे स्कूल में एक प्रमोट किया जाएगा या ग्रेस मार्क्स मिलेगा अगर कोई छात्र जो है, ये बात देखिए मैं आपको पहले कंफर्म कर दूं, अगर कोई छात्र जो है 33% मार्क्स पहुंचने से रह जाता है तो उसे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल जो है उसे ग्रेस मार्क्स देंगे। ग्रेस मार्क्स तब तक दी जाएगी यानी कि जब तक जो है आप उसके आसपास होंगे। जो अगर आपकी पढ़ाई के दौरान किसी क्वेश्चन में डाउट आ गया है तो घबराइए नहीं, डाउट नट है ना, आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है उसकी सिंपली एक फोटो क्लिक करिए, फोटो खींचने के बाद आपको उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लीजिए, 5 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगा डॉटनेट पे वीडियो सॉल्यूशन, चाहे वो आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी बोर्ड का हो, महाराष्ट्र या किसी अन्य बोर्ड का हो, सबका सॉल्यूशन आपको मिलेगा डॉटनेट पे। क्लास 6-12 के क्वेश्चन हो, आईटी जेई मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चन हो, या फिर आपके क्वेश्चन फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ हो, बायोलॉजी हो, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डॉटनेट ऐप पर। साथ ही आप डॉटनेट पे पढ़िए कोटा के टॉप फैकल्टीज जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स के साथ, यानी अब आपकी हर पढ़ाई होगी डॉटनेट ऐप पे। 3 करोड़ से ज्यादा छात्र अपनी पढ़ाई कर रहे हैं डॉटनेट ऐप पे, तो आप भी डाउनलोड करिए डॉटनेट, यानी कि आपको 30 तक मार्क्स होगा या 28 तक भी होगा तो वेली स्कूल आपको जो है ग्रेस मार्क्स देकर 33 लाएंगे, लेकिन अगर आप 20 मार्क्स ले आइएगा टोटल कैलकुलेट करके तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिली जाएगी, तो इस केस में आपको कंपार्टमेंट दी जाएगी। तो कंपार्टमेंट को लेकर यानी कि सीबीएसई बोर्ड तभी जाएगी जब आपको ग्रेस मार्क्स के थ्रू जो है आप पास नहीं हो पाते हैं। तो प्राइवेट कैंडिडेट का क्या होगा, तो प्राइवेट कैंडिडेट को लेकर सीबीएसई बोर्ड के स्कूलों ने यानी सीबीएसई बोर्ड ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहा है कि प्राइवेट कैंडिडेट के लिए क्लास 10 के छात्रों के लिए जो है आपको एक अलग नोटिफिकेशन यानी अलग सर्कुलर जारी की जाएगी, तो आप लोग वेट करिए, आप लोग को लिए है जल्द से जल्द सीबीएसई बोर्ड कुछ प्रोवाइड कराएगी एक अलग सर्कुलर, तो उसके लिए वेट करना होगा।
दिल्ली में 9th और 11th का रिजल्ट कब आएगा? तो देखिए, दिल्ली के छात्रों का एक अलग रीजन है। दिल्ली में क्या हुआ था कि जिनके एग्जाम्स स्टार्ट हुए थे, इनके मिड टर्म एग्जाम्स स्टार्ट हुए थे, लेकिन ये पूरे नहीं हो पाए थे। इसके बाद जो है बीच में एग्जाम्स को रोक दिया गया क्योंकि देश में पैंडमिक आ गया और फिर दिल्ली में लॉकडाउन भी लग गया। तो रिजल्ट की बात करें तो आपको लेकर जो है फिलहाल सीबीएसई बोर्ड की तरफ से या दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है जिसमें रिजल्ट को लेकर एग्जैक्ट डेट बताई जा रही हो। यानी कि ओवरऑल ये है कि आपको अभी फिलहाल वेट करना पड़ेगा पैंडमिक को पूरा कंप्लीट जो है स्लो डाउन होने में। और वहीं एक छात्र का सवाल था कि अगर हमारे प्री बोर्ड में आपके 80 में से 60 मार्क्स यानी कि 80 में से 60 मार्क्स आते हैं तो हमारे जो है परसेंटेज कितनी तक हो सकती है। तो आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आपका प्री बोर्ड 40 मार्क्स का है यानी कि 40 मार्क्स में से ही प्री बोर्ड के मार्क्स जो है आपको दिए जाने हैं। तो 80 मार्क्स को है तो इसको कंप्लीट जो है आप लोग कंप्लीट कर दीजिए, इसको 40 मार्क्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 40 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो पेपर बन जाएगा यहाँ पे 40 मार्क्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30 यानी कि सेकंड्स 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ से तो आपका जो है यहाँ पे 30 मार्क्स बनता है यानी कि 40 में से आपका 30 मार्क्स जो है आपको यहाँ पे बनता है। और इसी तरीके से और भी आप लोग कैलकुलेट करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी परसेंटेज कितनी आ सकती है। तो ये एज एन एवरेज है यानी कि पूरी कंप्लीट चेंजेस हो सकती है लेकिन हम अंदाजा मान के जो है इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं जिस तरीके से बोर्ड ने अपने सर्कुलर में कहा है। तो इसी तरीके से और भी आपके कोई सवाल होते हैं तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अभी किस वीडियो में इतना ही दोस्तों।